अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बन रहा है, रूह अफजा के साथ कुछ ट्विस्ट बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं सीजनल स्टफ अगेन है, एग नॉक बनाएंगे ट्विस्ट के साथ, देसी ट्विस्ट के साथ जो कि रूह अफजा है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन अंडे लेने हैं और तीन अंडों में से सिर्फ मुझे जर्दी चाहिए, तो सफेदी हम सेव कर लेंगे, मतलब योक चाहिए और वो नहीं चाहिए वाइट। ऑनेस्टली अंडों को ये करने का सबसे इजी तरीका ये है, इसमें डम कर दें, जर्दी को हाथ से उठा लें, पर वीडियो में हम वो अवॉइड करते हैं हाथ लगाना ज्यादा, तो अदरवाइज इसमें डम करें, हाथ से जर्दी उठाएं और इसमें डाल दें, सो इजी। सफेदी को जाया ना करें, अंडा बनाएं उसके साथ या फिर आप कोई भी वाइट जिसमें सफेदी यूज होती है वो करें। इसको हमने करना है विस्। अब इसमें हम डालेंगे क्वार्टर कप शुगर और इसको अच्छी तरह आपने करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए। सो क्वार्टर कप मेरे पास शुगर है, रेगुलर शुगर, अच्छी तरह से आपने करना है बीट इसको कि चीनी भी मिक्स हो जाए और ये जो है थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाए जो जरूरी। सो आप देखें कि ये बिल्कुल व्हाइटिश टाइप का हो गया, येलोइश इसमें से खत्म हो गया और पूरा व्हाइट हो गया। इसको दो तीन मिनट आपको लगेंगे, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक वाले से भी कर सकते हैं हाथ की बजाय। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। आप ले लें कोई सा भी सॉस पैन, स्टोव को करें मीडियम हीट पे, क्योंकि आपने एक कप जो मैंने मिल्क लिया है फुल क्रीम आप मिल्क ले लें, और इसको आपने बॉइलिंग प्वाइंट पे नहीं लाना है, आपने इसको गर्म करना है लेकिन बॉइलिंग प्वाइंट पे नहीं लाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप फुल क्रीम। ये मिल्क था जो कि फुल फैट होता है, जैसे 2%, 1%, 3.2% होता है ना, तो आप ये 2% ले लें या 3.5% ले लें, मैंने 3.5% लिया है, 3.25% लिया है। और जो ये व्हिपिंग क्रीम के लिए क्रीम जो हम एक्चुअली यूज करते हैं, जो फुल क्रीम होती है 35%, वो मैंने हाफ कप यूज किया। नटमेग जो होता है इस तरह का, ये इस तरह का राउंड होता है, आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मुझे इस वक्त ग्रेटर नहीं मिल रहा फ्रेशली, तो उसी वक्त फ्रेशली ग्रेट करें, इसमें इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, तो मैं क्वार्टर टी स्पून ये डालूंगी, इसकी बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और आपने क्या करना है, पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें डालना है और इसे मिक्स करना है। और दूध को आपने उबलने नहीं देना, जैसे ही आप देखेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो अब जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये बॉइल होने वाला है तो मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। क्या करना है, अब आपने इसको मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है इसी तरह से। अब हम डालते हैं अपना फेवरेट रूह अफजा, जो कि ट्विस्ट यही है सबसे ज्यादा आपका कि रूह अफजा के साथ बना लें, तो अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाएं, जितना आपको फ्लेवर आपको कलर चाहिए ये बाद में आप ऐड भी कर सकते हैं दोबारा। तो मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब डाला है, लेकिन मैं कलर देखूंगी दूध डल के कैसा होता है। अब हमने ट्रिकी पार्ट ये है कि इसको जो है दूध को इसमें डालना है, शामिल करना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसको हल्का हल्का करके डालेंगे, वरना आपको पता है कि जैसे ही हम दूध इसमें अंडों में डालेंगे तो बहुत ट्रिकी पार्ट होगा, क्योंकि ये एकदम से कर्ड्स बन जाते हैं एग के ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, छोटा कप लिया है मैंने क्वार्टर कप वाला, और उसको थोड़ा थोड़ा करके स्पिन करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी ताकि अंडे जो हैं बहुत जल्दी कुक ना हो जाए। मैं इस तरह करके थोड़ा थोड़ा ये पूरा इसमें शामिल करूंगी। आप दूध डालने में प्लीज रश नहीं कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। और रेसिपी को पूरा सुना करें, क्योंकि दो तीन वीडियो पहले मैं कोई कमेंट्स पढ़ी थी, दो तीन कमेंट थे कि आपने स्पाइसेस कब डाले, जब मैंने वीडियो चेक की तो मैंने सब कुछ डाला हुआ है उसमें। आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या डाला, तो प्लीज वीडियो को पूरी तरह देखा करें ताकि आप क्वेश्चन लिखने से पहले आपको पता हो कि आंसर उसी में। हम लो पे दोबारा किया है, अब ये जो मिक्सचर है अब हम इसमें डालेंगे, और इसका यही आपने करना है, आपने इसको बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं लाना है, बिल्कुल लो हीट पे रख के इसको आपने थिक करना है अपनी डिजायर के हिसाब से कि कितना थिक आपको चाहिए, तो थोड़ा सा इसको थिक करेंगे। मेन चीज ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आपको नहीं लाना है। तो आपने क्या करना है, मीटर पे देखें 160 डिग्रीज हो गया है फ़ारेनहाइट, तो ये डन हो गया है। लेकिन अदर थिंग, अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आपने क्या करना है, स्पून लेना है, और वैसे भी आप देखें कि गाढ़ा हो गया है,
इसके आप देखें कैसे अलग अलग ये ड्रॉप्स आ रहे हैं। आपने इसको लेना है और आप इसको लाइंस बनाएं, तो अगर ये लाइंस ऐसे रहती हैं तो इसका मतलब ये डन हो गया, मतलब एकदम से देखें पूरा वो स्लाइड नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर रुक रहा है। अब हम इसे करेंगे बंद और रूम टेम्परेचर पे या ठंडा करेंगे। चलें जी, ये देखें कितना माशाल्लाह गाढ़ा सा बन गया हमारा, स्मूथ सा। और अब इसको आप डालें कप्स में, मग्स में। आप इसको बना के 7 डेज तक फ्रिज में रख सकते हैं, आपको बाहर से बाय करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिनेमन स्टिक डालने वाली थी पर आई थिंक सो चलें आप अपने फेवरेट घर में बना लें, व्हिपिंग क्रीम और बाजार से ले लें, जो भी ले लें। अब आप क्या करें, एक में डालें सिनेमन टच, क्योंकि एक्चुअली तो ये इसी से बनता है ज़्यादातर, हमने तो कुछ दिया है। उसमें लगाएं सिनेमन स्टिक, ये देखें कितना खूबसूरत रेडी हो गया। दूसरे को आप करें ड्रिजल विथ रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा का तो फ्लेवर डाला है इसमें। और ये माशाल्लाह इतना थिक है कि आप पीना तो दूर की बात है, आपको स्पून से ही करना पड़ेगा। और माशाल्लाह इतना अच्छा बना है, आपको बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको करें गार्निश खूबसूरती के साथ, और आप बताएं किसका दिल नहीं करेगा कि ये पीने के लिए। चले खूबसूरती के लिए आप कुछ भी कर लें, जो भी आपको लगाना है लगाएं। का आ गया है फेवरेट टाइम, तो इसको करते हैं स्टार्ट। आप इस चीज को देखें बना के रखें फ्रिज में, ये खराब नहीं होती, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Really good. क्योंकि अंडे और दूध और क्रीम मिलाएंगे तो कस्टर्ड ही बनेगा ना, और रूह अफ़ज़ा के साथ विन विन पोजीशन। वाकई टेस्ट इतना जबरदस्त है, आप यकीन करें फैमिली के लिए बनाए, बच्चे इतने मजेदार किस्म का ये बनाए पिएंगे। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।